गुड मॉर्निंग दोस्त, कम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक और एरियल व्यू देखने वाले हैं ऐसे प्रोजेक्ट का जो कंप्लीटेड है और ऑपरेशनल भी है। टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे हम कौन सा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के पहले एक्सप्रेसवे की, जो कि छत्तीसगढ़ के कैपिटल सिटी रायपुर में बना है। हम देखने वाले हैं रायपुर, नया रायपुर एक्सप्रेसवे का एरियल व्यू। आप इसे अटल एक्सप्रेसवे या फिर अटल पथ के नाम से भी जानते हैं। ये एक्सप्रेसवे रायपुर में रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होता है और आगे जाके नेशनल हाईवे नंबर 30 से कनेक्ट हो जाता है। इन बिटवीन ये नेशनल हाईवे नंबर 53 के ऊपर से भी क्रॉस होता है। आज के इस वीडियो में हम इसी एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये एक्सप्रेसवे रायपुर में रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होता है। और इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था बैक इन 2014 और कंप्लीट हुआ था 2016 में, और इसे इनॉग्रेट भी 2016 में ही किया गया था। अगर मैं स्पेसिफिक डेट की बात करूँ, 19 नवंबर 2016 को इस एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेट किया गया था बाय दी एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह। इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया था टू रिड्यूस द ट्रैफिक ऑन नेशनल हाईवे नंबर 53, जिसे आप मुंबई कोलकाता हाईवे के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ उन सभी लोगों के लिए जो धमतरी की तरफ जाना चाहते हैं नेशनल हाईवे नंबर 30 को यूज़ करके, या फिर जगदलपुर या विशाखापट्टनम की तरफ जाना चाहते हैं रायपुर शहर से, उन सभी के लिए एक्सप्रेसवे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सिटी के बढ़ते ग्रोथ को देखते हुए इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया था। रायपुर से नया रायपुर के बीच में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भी इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया था, इसलिए इस एक्सप्रेसवे को रायपुर टू नया रायपुर एक्सप्रेसवे कहा जाता है। लेटर ऑन इस एक्सप्रेसवे का नाम चेंज कर दिया गया, नेम्ड एज अटल पथ। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए इस एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ रखा गया, क्योंकि बैक इन 2000 श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को एक इंडिविजुअल स्टेट बनाया गया था और इसे मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। रायपुर नया रायपुर एक्सप्रेसवे में टोटल 4 फ्लाईओवर्स हैं और एक एलिवेटेड सेक्शन है जो नेशनल हाईवे नंबर 53 के ऊपर से क्रॉस होता है। इस एक्सप्रेसवे का पूरा लेंथ है 12.7 किलोमीटर्स, यानी कि 7.9 माइल्स। इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है NRDA के पास। NRDA का मतलब है नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया था एट ए कॉस्ट ऑफ नियरली 210 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलियन US डॉलर्स। नीचे आपको एक रोड नज़र आ रहा है, इस रोड को यूज़ करके आप एक साइड नया रायपुर तो दूसरी तरफ आप रायपुर सिटी को एक्सेस कर पाएंगे। आगे एक और रोड आप देख सकते हैं, ये है नेशनल हाईवे नंबर 53। इस रोड को यूज़ करके आप एक तरफ दुर्ग और भिलाई की तरफ चले जाएंगे तो दूसरी तरफ आरंग होते हुए उड़ीसा की तरफ भी जा सकते हैं। नीचे आपको एक जंक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से अलग अलग लोकेशंस को आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि एक तरफ आप नया रायपुर चले जाएंगे, वहाँ से VIP रोड को यूज़ करके आप ऑल द वे टू एयरपोर्ट जा सकते हैं। स्ट्रेट और राइट साइड की तरफ अगर आप जाते हैं तो ये दोनों ही रोड आपको नेशनल हाईवे नंबर 30 से कनेक्ट करेगा, और एक तरफ से तो हम आ ही रहे हैं, यानी कि हम रायपुर की तरफ से आ रहे हैं।
और यहाँ से आगे अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ड्रोन फ्लाई करने के परमिशन नहीं है, क्योंकि पास में ही है नया रायपुर का एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के पास होने की वजह से यहाँ से आगे हम ड्रोन फ्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आइए यहाँ से आगे का फुटेज मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। और यह है इस एक्सप्रेसवे का एंड पॉइंट। यहाँ से आगे आप नेशनल हाईवे नंबर 30 से कनेक्ट करके अवनपुर, कुरूद, धमतरी, जगदलपुर जैसे लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो बस ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।